हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेपल एंड पेटल का टॉपिक डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम स्टेमन और एंड्रोशियम, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, वो स्टडी करेंगे। फर्स्टली, स्टेमन एंड एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है जो आगे दो कंपोनेंट से बना है, फिलामेंट एंड एंथर। जैसे ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है, जो इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहते हैं फिलामेंट। जिसका ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस वन, इसे हम कहते हैं एंथर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टेमन, जो रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के मेल पार्ट को। नेक्स्ट टर्म है स्टेमिनॉइड। स्टेमिनॉइड क्या होती है? अगर हमारा स्टेमन स्ट्राइड और अनडेवलप रह जाए तो उसे हम एक टर्म देते हैं, दैट इज स्टेमिनॉड। नेक्स्ट हम कुछ टर्म करेंगे, जैसे बायथिकस। बायथिकस स्टेमन हम उसे कहते हैं जिस स्टेमन के पास जो एंथर लोब है वो दो प्रेजेंट होंगी। मीन्स अगर ये स्टेमन है उसके पास एंथर लोब्स दो प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं बायथिकस एंथर। जैसे ये इस डायग्राम में बताया था मैंने अब आपको कि दिस वन इज एंथर, तो इसमें दो लोब्स प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे बायथिकस। अगर ये इस एंथर में एक ही लोब प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोथिकस, तो उसे हम कहते हैं मोनोथिकस। और मोनोथिकस कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आपने इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली, एम से मोनोथिकस, एम से ही मालवेसी फैमिली। मालवेसी में कौन इंक्लूड होता है? चाइना रोज। मीन्स जो चाइना रोज है हमारा उसके पास मोनोथिकस टाइप ऑफ एंथर प्रेजेंट होते हैं। इसमें यही लिखा है बायथिकस में व्हेन दी बोथ एंथर लोब्स आर प्रेजेंट देन स्टेमन इज कॉल्ड बायथिकस, जैसे फिगर में दिखाया है। मोनोथिकस में जब सिंगल एंथर लोब प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहते हैं मोनोथिकस। तो इसकी एग्जांपल में आएगी मालवेसी। मालवेसी का आगे कौन मेंबर है? चाइना रोज। नेक्स्ट टर्म है इंसर्टेड एंड एक्सर्टेड, तो हम इसको फिगर के थ्रू समझेंगे इंसर्टेड एंड एक्सर्टेड को। जैसे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, दिस वन रफली सा बना रही हूँ, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अगर स्टेमन का लेंथ शॉर्टर हो पेटल से या अदर फ्लोरल ऑर्गन से, मीन्स अंदर ही रह जाए, तो उसे हम कहते हैं इंसर्टेड टाइप ऑफ स्टेमन। इफ स्टेमन की जो लेंथ है वो पेटल से या अदर फ्लोरल ऑर्गन से ज्यादा हो जाए, मीन्स वो बाहर की तरफ निकल के आए स्टेमन, तो उसे हम कहते हैं एक्सर्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर तो ये स्टेमन अंदर की तरफ ही रहते हैं कि हमें दिखाई ना दे बाहर से, तो उसे हम कहते हैं इंसर्टेड। अगर स्टेमन बाहर की तरफ निकल के आए तो उसे हम कहते हैं एक्सर्टेड, एक्स से और ई आई से। नेक्स्ट टर्म है एपीपेटलस। एपी मीन्स फ्यूज। अगर स्टेमन फ्यूज हो जाए पेटल के साथ उसे हम कहते हैं एपी पेटलस कंडीशन। तो ये आपने याद रखनी है, जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें एपी पेटलस कंडीशन दिखाई देती है। तो इसमें कौन से मेंबर इंक्लूड हैं? सोलेनम निग्रम एंड पिटूनिया। नेक्स्ट टर्म है एपी फाइलस। फाइलस किसको हमने बताया था, किसको टर्म दी थी? स्टेपल्स को। अगर स्टेमन स्टेपल के साथ फ्यूज हो जाए तो उसे हम कहते हैं एपीफाइलस। अब टेपल किस में प्रेजेंट थे, लास्ट वीडियो मैंने बताया था एस्फोडिलस। एस्फोडिलस में टेपल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एपीफाइलस कंडीशन में भी किस में प्रेजेंट होगी? एस्फोडिलस में। नेक्स्ट टर्म है गाइएंड्रस। गाइएंड्रस मीन्स अगर हमारा स्टीमन फ्यूज हो जाए कार्पल के साथ। गाई मीन्स फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट कौन है हमारा फ्लोरल ऑर्गन में? कार्पल और पिस्टल, इन दोनों को हम कहते हैं फीमेल ऑर्गन। तो अगर हमारा स्टेमन फ्यूज हो जाए कार्पल या पिस्टल के साथ तो उसको हम कहते हैं गाइएंड्रस। नेक्स्ट हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। पॉली मीन्स फ्री।
फ्री स्टेमन को हम कौन सी टर्म देते हैं? पॉलीएंड्रस। अब फ्री स्टेमन आगे दो टाइप के हैं, टेट्राडाइनेमस कंडीशन एंड डायडाइनेमस कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राडाइनेमस एंड डायडाइनेमस कंडीशन। टेट्राडाइनेमस में क्या होगा, टेट्रा मीन्स फोर, डाई मीन्स टू। अगर स्टेमन फोर लॉन्ग हो और टू शॉर्ट हो तो उसे हम कहते हैं टेट्राडाइनेमस। तो आपने सिर्फ लॉन्ग वाली स्टेमन को याद रखना है। अगर फोर लॉन्ग स्टेमन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं टेट्राडाइनेमस। अगर टू लॉन्ग स्टेमन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं डायडाइनेमस। तो इसे हम कहते हैं टू फोर प्लस टू और इसे टू प्लस टू। तो ये किसमें कंडीशन प्रेजेंट होती हैं, इसमें एक ही मेंबर इंक्लूड होता है, जैसे टेट्राडाइनेमस में मस्टर्ड, मस्टर्ड ही टेट्राडाइनेमस कंडीशन को शो करता है और ऑसिमम शो करता है डायडाइनेमस कंडीशन को। तो इसमें आपको इसके इनकी फैमिली भी बता दी जाएगी कि जैसे ऑसिमम की है लिबेटी फैमिली, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिबेटी फैमिली में या डायडाइनेमस कंडीशन कौन सी फैमिली में शो होती है, तो आपका आंसर आएगा लिबेटी। और स्टेमन स्टेमन की टेट्राडाइनेमस कंडीशन जो मस्टर्ड में, जो मस्टर्ड की फैमिली है ब्रासिकेसी, तो ये ब्रासिकेसी जो हमारी फैमिली है वो शो करती है टेट्राडाइनेमस कंडीशन को। तो आप इस फिगर में देख सकते हो टेट्राडाइनेमस एंड डायडाइनेमस कंडीशन। दिस फिगर शोइंग द टेट्राडाइनेमस कंडीशन, जिसमें चार जो फोर है ऊपर, वन टू थ्री फोर, ये चारों लॉन्ग स्टेमन है एंड नीचे वाले दो शॉर्ट स्टेमन है। तो इसे हम कहते हैं फोर प्लस टू कंडीशन को टेट्राडाइनेमस कंडीशन, जो मस्टर्ड में शो होती है। नेक्स्ट है जैसे डायडाइनेमस कंडीशन में वन टू, ये दो लॉन्ग स्टेमन हैं और नीचे वाले दो शॉर्ट स्टेमन है, तो उसे हम कहते हैं टू प्लस टू कंडीशन डायडाइनेमस कंडीशन, जो ऑसिमम में दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमें कोहेजन। कोहेजन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ सिमिलर ऑर्गन्स। फ्यूजन सिमिलर ऑर्गन की, जैसे स्टेमन की फ्यूजन होना। तो इसमें हमने तीन टर्म्स पढ़नी है आगे। फ्यूजन तीन टाइप्स की हो सकती है, अडल्फस कंडीशन, सिंजिनेशियस कंडीशन एंड सिनएंड्रस कंडीशन। अडल्फस कंडीशन में क्या होगा, स्टेमन्स आर फ्यूज बाय फिलामेंट ओनली। सिंजिनेशियस में क्या होगा, स्टेमन आर फ्यूज बाय एंथर एंड सिनएंड्रस में स्टेमन आर फ्यूज बाय बोथ एंथर एंड फिलामेंट। तो आपको डायग्राम के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, जैसे ये फिलामेंट है एंड दीज वन एंथर्स। हमने अभी पढ़ा है अडल्फस कंडीशन। अडल्फस कंडीशन में क्या होगा, अगर स्टेमन का एंथर पार्ट फ्यूज हो जाए तो उसे हम कहते हैं अडल्फस कंडीशन। मीन्स एंथर फ्यूज हो जाए और फिलामेंट क्या होए, अनफ्यूज, फिलामेंट फ्यूज नहीं होंगे और ऊपर वाली कंडीशन जो हमारी एंथर है वो फ्यूज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अडल्फस कंडीशन। नेक्स्ट हमने कंडीशन पढ़ी है सिंजिनेशियस कंडीशन। सिंजिनेशियस कंडीशन में इसके ऑपोजिट होगा कि ये फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फिलामेंट फ्यूज होंगे और हमारे एंथर्स क्या होंगे, फ्री होंगे। इसके ऑपोजिट कंडीशन है ये। पीछे हमने पढ़ा कि एंथर फ्यूज हैं और फिलामेंट फ्री हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे फिलामेंट है वो फ्यूज हो गए, एंथर फ्री है, तो उसे हम कहते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि सिनएंड्रस। सिनएंड्रस में दोनों ही फिलामेंट भी और एंथर भी, ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एंथर भी फ्यूज और फिलामेंट भी फ्यूज, तो उसे हम कहते हैं सिनएंड्रस कंडीशन। मीन्स दोनों ही फ्यूज हो गए। तो इसमें आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। सिंजिनेशियस की एग्जांपल है सनफ्लावर।
सिंथेटिक की एग्जांपल है सनफ्लावर, ऐसे ऐसे ही दोनों आपको इजीली याद हो जाएंगी। सिंथेटिक कंडीशन कहाँ पाई जाती है? सनफ्लावर में। और सिनएंड्रस कहाँ पाई जाती है? कुकरबिटा में। तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे जो अडल्फस है। अडल्फस आगे तीन टाइप के हो सकती है, जैसे फर्स्ट है मोनोडल्फस, सेकंड है डायडल्फस एंड थर्ड है पॉलीडल्फस। तो हम इसको वन बाय वन करेंगे। मोनोडल्फस कंडीशन को आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे ये इसके फिलामेंट फ्यूज है और एंथर फ्री है। इस फ्यूजन में एक ही ग्रुप बन रहा है, तो इस हम कहते हैं मोनो अडल्फस कंडीशन। कि अगर फ्यूजन हो जाए फिलामेंट की और एक ग्रुप प्रोड्यूस होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोडल्फस। और ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है? मालवेसी फैमिली में। नेक्स्ट है जैसे डायडल्फस। डायडल्फस में दो ग्रुप प्रोड्यूस होंगे, फर्स्ट ग्रुप जैसे ये हो गया और सेकेंड ये अलग से एक एंथर दिखाया गया है फिलामेंट। जैसे इसमें 9 फिलामेंट फ्यूज हो गया, एक ग्रुप बना दिया, और इसमें एक ये एक सिंगल ही रह गया, उसे हम कहते हैं डाई अडल्फस, दो ग्रुप बन गए। पॉली अडल्फस में मैनी ग्रुप्स बनेंगे, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप बन गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं पॉली अडल्फस कंडीशन। तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा? सिट्रस। तो आपने मेन इनकी एग्जाम्पल याद रखनी है। मोनो में मालवेसी फैमिली मीन्स चाइना रोज, डाई में पी आएगा, पॉली में सिट्रस, सिनजेनिशियस कंडीशन में आएगा सनफ्लावर, और सिन एंड्रस कंडीशन में कुकरबिटा। तो इन नोट्स में भी ऐसे लिखा है, अगर एंथर फ्री है तो उन्हें हम कहते हैं डल्फस, अगर एंथ फ्यूज है तो उन्हें हम सिनजेनिशियस, सिन एंड्रस में दोनों ही। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, डायग्राम विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम करेंगे फिक्सेशन ऑफ एंथर। फिक्सेशन ऑफ एंथर मीन्स हाउ एंथर इज अटैच टू द फिलामेंट, किस डायरेक्शन में, किस प्लेस पे अटैच है। जैसे ये आगे चार इसकी टाइप्स हैं, बेसी फिक्स जिसे हम इंटेट भी कहते हैं, एडनेट, डॉर्सी फिक्स एंड वर्सेटाइल। बेसी फिक्स में क्या होगा, जो फिलामेंट है उसका जो टिप है उसमें ही एंथर की अटैचमेंट होगी, तो इसके हम कहते हैं बेसी फिक्स। इसकी एग्जाम्पल में मस्टर्ड। नेक्स्ट है एडनेट। एडनेट में जो फिलामेंट है वो एंथर के साथ साथ ही अपनी ग्रोथ करता है, मींस वो कनेक्टिव बना देता है, दोनों एंथर्स को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम कहते हैं एडनेट। कि फिलामेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द एंथर के साथ ही ग्रो करेगा, तो इसकी एग्जांपल में रेनन्कुलस। नेक्स्ट डॉर्सी फिक्स। डॉर्सी फिक्स में जो हमारा फिलामेंट है वो एंथर के बैक साइड में डॉर्सल साइड से अटैच होगा, तो इसके एग्जाम्पल में पैसिफ्लोरा। नेक्स्ट वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में जो फिलामेंट है वो बैक साइड से ही अटैच होता है एंथर की, बट वो एंथर है वो ऐसे अटैच होता है फिलामेंट के साथ कि वो अपने आप को फ्रीली हैंग करेगा, जैसे फ्रीली मूव करता रहता है, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं ग्रासेस। तो आपने इसमें एग्जाम्पल से याद रखनी है और इनकी थोड़ी सी डायग्राम, ताकि आपको इजिली से थोड़ा सा याद आ जाए कि कौन सी टाइप में कौन सी एग्जाम्पल आती है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।